हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो पर आएंगे उसके आगे जो नेक्स्ट 7 डेज आने वाले होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और प्लीज़ जब भी रीडिंग्स को देखें अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा गाइस। और जो मैसेज आपको, जो गाइडेंस आपको जिस एरिया में रिसीव हो रहा है, जिस सिचुएशन को लेकर के रिसीव हो रहा है, उसे रिसीव कीजिए वहाँ पर। डाउट्स मत लाइएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्ट बताती है कि ये मैसेज आपके लिए कहाँ है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलवेज रिसीविंग एनर्जीज में रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं भोले बाबा, जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज। डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके माय डियर, लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई और ले ली। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए। जो कनेक्ट कर पाए वहीं लें। एट ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, ओके, यस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर जेमिनी, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एम्परर, ओके। माय डियर जेमिनी, ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये कनेक्ट होने वाली है और कितने लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। बट यस, जिनके लिए मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है और जिनके लिए है वो लें यहाँ से मैसेजेस, ओके।
देखिए, ये जो नेक्स्ट 7 डेज रहेंगे आप लोगों के जेमिनी, आप लोग ना बहुत ही एक सेल्फ केयर वाली एनर्जीज में जा रहे हो, रेस्ट वाली एनर्जीज में जा रहे हो विद दी फोर ऑफ सोर्ड्स, जिसे कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो अपने कामों से, अपनी चीज़ों से, अपने थॉट्स से। मेडिटेशंस हो सकता है कि आप कर रहे हों, ओके, प्रॉपर जिसे कहते हैं कि रेस्टिंग मोड में हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी एक्टिविटी में नहीं पड़ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही रेस्टिंग मोड में हो, मेडिटेशंस पर फोकस कर रहे हो। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ही मतलब माइंडफुल वाली एनर्जीज आ रही है, बहुत पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना, पॉजिटिव सोच रखना, ये सब इसी वजह से हो रहा है कि हो सकता है आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जो भी मतलब ये जो आप अपने साथ समय बिता रहे हैं ना, सेल्फ, अपने दिल की, अपने दिमाग की, अपने बॉडी की, अपने स्पिरिट की केयर करना, हील करना अपने आप को, ये जो भी सिचुएशंस आप कर रहे हैं उस वजह से आपका माइंडसेट भी बहुत जिसे कहते हैं पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। और बट ये आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है कि आपने तो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया, आपने अभी गैप ले लिया, आपने अभी ब्रेक ले लिया है हर चीज़ से। बट इस ब्रेक का ना आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं जेमिनी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जीज में आप जा रहे हो ना जेमिनी, आप ग्रोथ मतलब बहुत जिसे कहते हैं कि ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। बट कोई है जो आपकी इस ग्रोथ से, इस सक्सेस से, इस हैप्पीनेस से जिसे कहते हैं, जो चेंजेस, इन बदलावों से जो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज में हो रहे हैं, उनसे जेलस है। खासकर ये कोई, देखिए अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा कि आप किस एनर्जीज को पिक कर पा रहे हो या आपकी इंट्यूशन कहाँ बता रही है। मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई लेडी फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है कि कोई लेडी ऐसी है जो विडो है, या फिर डाइवोर्सी हो सकती हैं, ठीक है। या फिर ये कोई, देखिए मैं स्पेसिफिकली ना जॉडियाक साइंस पर नहीं जाना चाहूँगी, बट ये जो लेडी हैं ये कनेक्टेड हैं किसी तरह के, क्या बोलते हैं उसे, ओकल्ट साइंस। देखो मैं ओकल्ट साइंस तो नहीं बोलूँगी, नेगेटिव वे में, ओके, रिचुअल्स करना, नेगेटिव रिचुअल्स करना, डार्क रिचुअल्स करना, डार्क प्रैक्टिसेस करना, ठीक है। और वो कुछ ऐसी चीज़ें आप पर करने की कोशिश कर रही हैं आपके आसपास, क्योंकि ना इस तरह के कार्ड्स आए हैं, ये कोई ऑकल्ट से कनेक्टेड मुझे लग रही हैं, ठीक है। ये हीलर काइंड ऑफ एनर्जीज, हीलर तो नहीं मुझे लग रहा है, ऑकल्ट साइंस में इनका बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ है जो आपके आपके आसपास ना कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाह रहा है, तो वो आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रहा है। अभी ये डिस्ट्रैक्शंस क्या है, एनर्जेटिकली हो सकता है, जैसे हम काली विद्या के नाम से जानते हैं, ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं, टोनी रोडको के टाइप काइंड ऑफ एनर्जीज के नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग इस तरीके से भी आपके साथ कर सकते हैं वो पर्सन, कि आपकी मेंटेलिटी को चेंज करना, आपके माइंड को बदलना, ओके, किसी ना किसी तरह के लालच में डालना या आपको भटकाने की कोशिश करना। अगर आप इस एनर्जीज को देख पाओगे, डेविल की एनर्जीज देख रहे हो कि, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है जेमिनी, बहुत हाई इंट्यूशंस है, आप लोग खुद फील कर पा रहे हो कि ये पर्सन कुछ ठीक नहीं है, राइट। आप खुद फील करोगे कि ये पर्सन कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये जो ऑफर मुझे कर रहा है या ये जो मुझे राह दिखा रहा है ना, वो ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसको बुरा ना लगे, ठीक है, या फिर वो बुरा ना मान जाए, हो सकता है वो कोई क्लोज हो आपके, ठीक है, तो आप उसको मना नहीं कर पा रहे हो या फिर उसकी बात को फॉलो कर रहे हो, ये अब आपकी एनर्जीज पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, माय डियर।
अगर ये कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास या ये कोई ऐसी पर्सन है जिसे आप जानते हैं और आप उन्हें ना नहीं कह पाते, तो थोड़ा सा इस वक्त आपको एक बोल्ड एनर्जी इसमें टैप इन करना पड़ेगा जेमिनाई, ठीक है? आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, आपने थ्रोट चक्रा को आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा उनसे डायरेक्टली। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या फिर जो काम आपको नहीं करना है, जिस राह आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली वहाँ पर नो कहना है। अब ये जो ऑफर है, ये जो भटकाव है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये अब आपको देखना होगा, जब भी इस तरह की कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए तो आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, ठीक है? अवेयर होना पड़ेगा कि यस, ये वही एनर्जीज है, तो मुझे इस एनर्जीज को पिक नहीं करना, इस एनर्जीज को ओके नहीं करना है, लेना नहीं है इसे। तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको भटका सकते हैं। क्योंकि आप क्या हो, आप ना रिचार्ज हो रहे हो, और भी कई आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जीज है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जीज है, कोई बुरी एनर्जीज नहीं है। आप लोग जो हैं, देखिए, हो सकता है आप लोग किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हों, तो इसलिए आपने भी ब्रेक ले रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उसे रिकवर करने के लिए आपने ब्रेक लिया है। तो कहने का मतलब, अभी इस वक्त में ये जो ब्रेक टाइम है ना आपका, इस वक्त में आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, लेकिन आप एक्टिव नहीं हो उस चीज़ के लिए, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, थॉट्स में सब कुछ चल रहा है, ठीक है? तो कहने का मतलब, आपको ये आपके नज़रिए से ये छोटी चीज़ हो सकती है उस वक्त में, कि ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, राइट? तो आपको अलर्ट होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके? ये वीक हो सकता है जेमिनाई, आप लोग बहुत ज़्यादा ना आप अट्रैक्टेड अपने आप को फील करें किस तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ, ओकल्ट साइंस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है? इस तरफ आप अपने अपना अट्रैक्शन फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि यस, ये चीज़ें, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये आपको बुला रही हैं अपनी तरफ खींच रही हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बस ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए, बाकी आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप खुद भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहें, या फिर कोई हीलिंग कोर्स में आप जाना चाहें, ओकल्ट साइंस में आप लोग जाना चाहते हैं, तो उसके भी हाई चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके? मतलब ये सब आपके ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियसली बोलूँ, हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये सब मुझे आपके माइंडसेट में नज़र आ रहा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, प्रैक्टिकली तो नहीं मुझे लग रहा है इतना। जो लोग हीलर्स या फिर टैरो कार्ड रीडर्स नहीं है अभी राइट नाउ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो है वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं है, ठीक है? तो आप लोग करना तो चाह रहे हो, आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि हम ये कोर्स कर लें, या फिर टैरो रीडिंग सीख लेते हैं, हीलिंग सीख लेते हैं, या अदर जो मोडालिटीज़ हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम उनमें चले जाते हैं, न्यूमरोलॉजी या जो भी हो गया, तो आपको बोला जा रहा है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, उस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस तरफ इस वीक में आप टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपका विश्वास उस पर बढ़ेगा, और आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एडिक्शन काइंड ऑफ एनर्जीज की, हाँ, बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स आप देख रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी मुझे मिल रही है। बट आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके थॉट्स में चल रहा है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर्स भी बहुत स्ट्रांग है डिवाइनली ना, मतलब ये जो थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, बिलीव में जमीना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो, सोच रहे हो तो वो चीज़ें आ रही हैं, एक्चुअल में डिवाइन ही आपकी तरफ वो चीज़ें लेकर के जा रहे हैं कि आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको इस तरफ प्रैक्टिकली से इम्प्लीमेंट करना है, इस तरफ आगे बढ़ना है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, बट आप आगे जाकर के, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अभी हाल फिलहाल बिल्कुल एक किसी अलग चीज़ में हो, अलग करियर हो आपका, और आप इस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं से मतलब ये है कि यहाँ पर ना फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहने का मतलब अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, अपने रेगुलर जोन को नहीं छोड़ना, ये आपके लिए हो सकता है कुछ अलग हट करके हो,
तो आप जो ऑलरेडी करते आ रहे हो ना, आप ये सोचो कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मैं उस तरफ ना ही बढ़ूँ, मैं जहाँ हूँ जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे लिए चेंज सही नहीं है। और ख़ास करके आपके इस थॉट पैटर्न को ना, मतलब ये थॉट पैटर्न में आपको लाने के लिए ऐसे लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। मतलब मैं कह रही हूँ ना, या तो वो फिजिकली सामने आकर के आपके थॉट्स को बदल रहे हैं कि नहीं, तुम्हें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, वही करना है, इस तरफ मत जाओ। या फिर वो एनर्जेटिकली, मतलब कुछ क्रियाएं करके आपको आपके पाथ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपकी पोटेंशियल क्या है। ठीक है, कंपटीशन की भावना, जालस की भावना, आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना, ये सब भावनाएं उनके अंदर है। दैट इज़ वाई यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, चीटिंग की एनर्जीज है, धोखे की एनर्जीज है। तो ऐसे लोग आपको, आपके माइंड को जो है फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, आपको भटका सकते हैं, ऐसा आपको बोला जा रहा है, आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा सकते हैं, या फिर कुछ आपके साथ ऐसा करना, आपको दिखाना कि ये नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम इस लायक नहीं हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो कहने का मतलब, हालांकि ये जो मुझे मैसेज मिला, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, इसके अलावा भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आपका करियर पाथ या कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हुई है। तो कहने का मतलब, आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है, बस वो थोड़ा सा आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे रेगुलर जोन से बाहर की चीज़ है। तो आप कीजिए, उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको एनर्जेटिकली, साइकिकली या फिर फेस टू फेस रोकेंगी। तो आपको बस यही बोला जा रहा है, कुछ है ये जो भी चीज़ है ना आपकी, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो। स्पिरिचुअली कैसे हो सकता है कि देखिए, स्पिरिचुअली कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि देखिए, यही आपका वाकई में जो, जिसे कहते हैं ना पाथ होना, जो पाथ है आपका यही है, ये आपका राइट पाथ है, तो आपको इस पर ही चलना है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये बता रही है। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं कर पाए हो जितनी आपकी पोटेंशियल है, तो वो आपकी पोटेंशियल यहाँ उभर के बाहर आने वाली है। ठीक है, तो ये वही जगह है जहाँ आप आएंगे और आप अपनी पोटेंशियल को जी पाएंगे, मतलब उसमें टैप इन कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि आप इसमें अभी नहीं आ पा रहे हो, और ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, और ये आपको वहाँ पर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, ऐसे लोगों की सुननी नहीं है, किसी तरह के लालच में आपको नहीं पड़ना है, किसी तरह के शॉर्टकट में आपको नहीं पड़ना है, किसी की बातों में आपको नहीं आना है। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और आपके लिए इस वीक के लिए गाइडेंस क्या है, ये जो भी सारी सिचुएशंस चल रही है माय डियर जेमिनाय, कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाओ। फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है, पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ, क्योंकि आप इस समय ब्रेक में हो थोड़े से। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो सोच विचार बहुत ज़्यादा है आपके अंदर इस वीक, इस इन 7 डेज़ के लिए। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, इतना थॉट्स में मत लाओ कि मुझे क्या नहीं मिला, या क्या मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्या गड़बड़े मेरी लाइफ में हुई हैं, क्या दिक्कतें मेरी लाइफ में हुई हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना स्टार्ट करो, उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है एक्टिव होगा, आप पॉजिटिव होंगे, डिवाइन से कनेक्टेड हुई है। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी आप करते हो आपके रिलीजन में जो भी चीज़ होती है वो कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी आपके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग करना। ठीक है, नेचर से कनेक्ट होना, नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट होना। ठीक है, या तो आप किसी रिवर, ओशन के आसपास अगर आप रहते हैं तो वहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ मेडिटेट कर सकते हो, नहीं तो नेचर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, गार्डन में जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ जाकर के थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, बेयर फुट चलिए, नंगे पांव ग्रास पर चलिए, ट्रीज़ को हग करना, ठीक है, किस करना, ये आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, ये जो भी बैगेज है, या फिर ये जो भी थॉट्स आपके आपके जा रहे हैं पास में, उनको रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा।
और इसके साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, थैंकफुल की एनर्जीज में रहना, ऑलवेज लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, ताकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो आ रही आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उनको ग्रैब कर पाओ। और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है आपके लिए, ये जो आया है कि प्लीज़ बैलेंस बनाइए अपने लाइफ की हर एरिया में। देखिए कहाँ आपके लाइफ में डिसबैलेंस है, वहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, देखिए कहाँ कहाँ डिसबैलेंस है। देखिए ये तो आपको आप ही कनेक्ट कर पाओगे, क्या आप हेल्दी रूटीन को फॉलो नहीं करते हो, क्या आप बहुत ज़्यादा काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, क्या चीज़ें हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। ये एनर्जीज वो भी बता रही है कि आपको अपने खर्चों पर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको आदत है फिजूल खर्ची करने की या ओवर स्पेंड करने की, तो प्लीज़ बैलेंस लाइए हर चीज़ में। बैलेंस बेसिकली आपको यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, ये जो मंथ बता रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पास ना कोई टू चॉइसेस भी हो या फिर टू पाथ्स हो आपकी लाइफ में, आपको चूज़ करना है कि आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है या फिर बी ऑप्शन के साथ जाना है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है, अपने आप को वक्त दीजिए, देन डिसीज़न लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ ये थॉट्स आपके यूँ ही नहीं आ रहे हैं, आपको डिवाइन यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ओके, कुछ पर्पस हो सकता है आपका यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब कि हो सकता है आप अभी तक जो करते आ रहे हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि शायद वो आपका पर्पस नहीं था, आपको कहीं और आगे जाना था। ठीक है, यस, थैंक यू भोले बाबा। और जिस तरफ भी आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये भी आपको बोला जा रहा है। अच्छा जेमिनी, एक चीज़ और बोलूँगी, ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, प्लीज़ थोड़ा ना इस तरह के लोगों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी, ये जर्नल रीडिंग है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर डराना नहीं चाहती, कुछ इस तरह का फियर यहाँ पर पैदा नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ना आपके आसपास या कोई एक पर्सन आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको रोकने के लिए ना दिन रात, जिसे कहते हैं ना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, वो उनका जारी है। ठीक है, आपके लिए कुछ इस तरह का इस तरह से क्रिएट कर देना सिचुएशन को कि आप सही राह पर ना जा पाओ। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, क्योंकि ये मुझे पता है कि आपकी इंट्यूशन तो आपको बता रही है, तो बस आपको अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है माय डियर। ओके, लेट्स सी और आपके लिए डिवाइन भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आपके बच्चों के लिए, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। भोले बाबा, बैलेंस, मैंने आपको एग्जैक्टली वो बोल दिया है कि बैलेंस लाइए। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो आप जिसे कहते हैं कि किसी एक पाथ को चूज नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे कंफ्यूज हो, कोई एक डिसीजन नहीं बना पा रहे अपनी लाइफ में, या जहाँ पर भी आप स्टॉक्ड हो माय डियर, जिस भी सिचुएशन में स्टॉक्ड हो आप, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, कुछ तो है, चाहे आपका ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस है, ये अब आपको देखना है, तो आपको उसको बैलेंस में लेकर के आना है। पोटेंशियल आपके पास है, बैलेंस का कार्ड है, लेकिन ये डबल कार्ड है, ये जस्टिस को भी दिखाता है और इसके साथ ही साथ ये मैजिशियन का भी कार्ड है, क्योंकि ये चारों सूट्स हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप, तो ये मैजिशियन एंड जस्टिस है। तो कहने का मतलब जितना आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, जितना आप अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करोगे, समझ रहे हैं आप, और जितना आप बैलेंस रहेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अकेले नहीं कर सकते, हालांकि मैजिशियन का कार्ड अकेले का कार्ड है, लेकिन ये जो मुझे मैसेज दे रहा है कि आपकी आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे ना, उतना ही बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, उतने ही सही डिसीजंस को आप अपनी लाइफ में बना पाओगे, उतने ही आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं ना, उनको आप सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा, चीज़ें आपके पास है, टैलेंट आपके पास है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
तो डिवाइन के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बैलेंस में आना तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए माय डियर। पेशेंस का कार्ड है आपके लिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें ग्रो तो कर रही हैं। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप ऑलरेडी ग्रोथ में हो, तभी तो ये लोग आपसे डर रहे हैं। हो सकता है इनका कॉम्पिटिशन आपसे हो, ठीक है, कुछ तो है, इन्हें आपके बारे में पता है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कहाँ पहुँच सकते हो, तो ये आपको भटका रहे हैं। तो पेशेंस रखिए, चीज़ें आगे ग्रो करेंगी, बस अपने अंदर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। लास्ट मैसेज क्या है आपके बच्चों के लिए, भोले बाबा जेमिनी मिथुन राशि? वेट फॉर विंटर, ओ माई गॉड, ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। देखिए, जितनी आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी, जितने आप प्योर होंगे और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिस जो भी आप पाना चाह रहे हो, वो पूरा होगा। और ये विंटर का टाइम ही आया, विंटर का टाइम अभी चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है ये विंटर टाइम में ही, इन मंथ्स में ही आपके जो विशेस है, जो दिल के आपके बहुत करीब है और जो आपके और सबके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, मतलब उसमें किसी का बुरा नहीं है बेसिकली, वो आपकी कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। बस अपनी इंटेंशंस को आप प्योर रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है, गुड डीड्स को कीजिए, गुड कर्मास को कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड होइए, नेचर से कनेक्ट होइए, मदर गाया से कनेक्ट होइए, लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, वो कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हेल्पिंग एनर्जीज में आ जाओ जेमिनी, हेल्पिंग एनर्जीज में मदद करना, किसी भी फॉर्म में मदद करना, किसी की भी मदद करना, किसी पंछी की मदद करना, किसी एनिमल की मदद करना, स्ट्रीट डॉग्स की मदद करना, बूढ़े बच्चे जवान किसी की भी, जो जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। अपने आप को ओपन कीजिए, एडवाइस आप दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में आप मदद कर रहे हो, किसी को खुश कर रहे हो, हंसा रहे हो, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, उसको हंसा रहे हो, उसके फेस पे स्माइल ला रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशंस पे हो रहा है। इस इंटेंशन से मत करना कि आज मैं कर रहा हूँ तो कल मुझे मिलेगा यहाँ से, ठीक है। बस अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो यस, तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज हैं तो उस तक ये पहुंच पाए। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।